गाइस, एक नया आईपीओ का अपडेट आया है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट। तो इस आईपीओ के बारे में डिटेल्स में जानेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे किस प्रकार से इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने के बाद इस आईपीओ को कैंसिल करना चाहते हो तो कैसे कैंसिल कर सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो चलो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट्स आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं ग्रो ऐप के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट्स आईपीओ के लिए अप्लाई करने के लिए किसी भी ब्रोकिंग ऐप का आप सहारा ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं ग्रो ऐप का सहारा लेकर इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं ग्रो ऐप को अपना ओपन कर लेता हूँ। ग्रो ऐप ओपन करते समय अगर आपका पिन मांगता है तो पिन डालकर लॉगिन के लेनी है। और जैसे आप ग्रो ऐप के होम स्क्रीन पर आते हो तो ऊपर में स्प्लोट और नीचे में स्टॉक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट लेनी है और उसके बाद स्क्रॉल नीचे आनी है। उसके बाद यहाँ पर आईपीओ वाला ऑप्शन क्लिक करनी है। तो यहाँ पर ओपन नाउ वाले ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट्स आईपीओ का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट्स आईपीओ के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे किस प्रकार से इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट्स वाला ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट्स आईपीओ का डिटेल्स शो कर रहा है। तो यहाँ पर देख पर बिडिंग डेट दिया हुआ है 4 अक्टूबर 2022 से लेकर 7 अक्टूबर 2022 तक इसका बिडिंग डेट्स है। इस डेट के अंदर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो और इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14,224 रुपये और इसका प्राइस रेंज है 56 रुपये से लेकर 59 रुपये। इस प्राइस रेंज के अंदर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो और इसका लॉट साइज है 254 रुपये और इसका इशू साइज है 500 करोड़। और अगर आपको और भी इस आईपीओ के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको इसको नीचे आनी है। तो यहाँ पर आपको इस आईपीओ के बारे में डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप इस आईपीओ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको नीचे में अप्लाई फॉर आईपीओ वाला ऑप्शन क्लिक करनी है और उसके बाद यहाँ पर शेयर लॉट ऑफ 254 रुपये इंटू 1 शेयर के देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक शेयर के 254 लॉट, जो पहले मैंने आपको बताया कि 254 लॉट है, तो अगर आप एक शेयर के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर 254 लॉट शो करेगा। और अगर आप 2 शेयर के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर प्लस वाले चिन्ह पर क्लिक करनी है तो लॉट जो है डबल हो जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है बिड प्राइस, तो मैंने पहले ही बता दिया बिड प्राइस इसका 56 रुपये से लेकर 59 रुपये है और इस अमाउंट के अंदर आप यहाँ पर दे सकते हो बिड प्राइस। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो बिड प्राइस है वो है 59 रुपये और अगर आप 56 रुपये देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हो और उससे अगर आप कम दे 56 रुपये से तो आपका यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये मिनिमम बिड प्राइस है और अगर आप मैक्सिमम बिड प्राइस में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड कट ऑफ प्राइस वाला उसमें क्लिक करनी है। तो यहाँ पे मैक्सिमम बिड प्राइस जो है ऐड हो जाएगा और आपका जितना सारा यहाँ पे टोटल अमाउंट होगा वो नीचे में यहाँ पे शो करने लगेगा और उसके बाद आपको नीचे में अप्लाई करने के लिए कंटिन्यू वाला उसमें क्लिक करनी है और उसके बाद यहाँ पर आपका UPID देनी है और उसके बाद अप्लाई फॉर IPO वाला उसमें क्लिक करनी है। तो यहाँ पर IPO के लिए रिक्वेस्ट भेज दिया गया है, यहाँ बता दिया गया है, तो आपको डन वाला उसमें क्लिक करके बैक में जानी है। तो जैसे ही आप IPO के लिए अप्लाई कर लेते हो तो यहाँ पे अप्लाई के जगह स्ट्रेस का ऑप्शन शो करने लगता है और यहाँ पे स्ट्रेस वाला उसमें क्लिक करके अपना आईपीओ का स्ट्रेस चेक कर सकते हो और जिस डेट को आप आईपीओ के लिए अप्लाई किए हो वो डेट यहाँ पे शो करेगा और किस UPI ID से अप्लाई किए हो वो भी यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे UPI रिक्वेस्ट अप्रूव हुआ या नहीं वो भी यहाँ पे शो करेगा और एप्लीकेशन प्लेस सक्सेसफुली हुआ नहीं या आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस मिला नहीं वो सारे यहाँ पे आपका स्ट्रेस शो करेंगे। और अगर अपना अप्लाई किया हुआ आईपीओ का कैंसिल करना चाहते हो तो ऊपर में कैंसिल वाला उसमें क्लिक करनी है और उसके बाद कंफर्म कैंसिल वाला उसमें क्लिक करनी है तो आपका आईपीओ जो है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे मेरा आईपीओ जो है कैंसिल हो गया। तो मैं बैक में आता हूँ और यहाँ पर देख पा रहे स्टेटस वाला उसमें पर यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन फिर से शो करने लगेगा। तो इस प्रकार से आसानी से आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो और अगर अपना अप्लाई किया हुआ आईपीओ कैंसिल करना चाहते हो तो इस प्रोसेस से कैंसिल भी कर सकते हो। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको मन में कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन है किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट्स आईपीओ के लिए अप्लाई करें और कैसे अपना आईपीओ कैंसिल करें तो कमेंट से कमेंट कीजिए।